कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। भ्रष्टाचार के मामलों में अखंड तक डूबे मेरठ विकास प्राधिकरण की एक लिपिक अनीता शर्मा को शनिवार को एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार कर लिया। अनीता शर्मा को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। अनीता के पास से 5,000 रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। मामला लोहिया नगर योजना से संबंधित भूखंड के नामांतरण का था। गंगानगर मेरठ निवासी अनीता के खिलाफ यह कार्रवाई अधिवक्ता राहुल भड़ाना निवासी ग्राम जर्रानपुर थाना प्रतापपुर की शिकायत पर की गई है। राहुल पर रजिस्ट्री नामांतरण से संबंधित कार्य के एवज में यह धनराशि देने का दावा बनाया जा रहा था। अनीता शर्मा डेली वेजेस कर्मचारी के रूप में MDA में दाखिल हुई थी, अब वह स्थायी कर्मचारी हो गई है और वर्तमान में संपत्ति का कार्य देख रही थी। एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार कर अनीता को सिविल लाइन थाने भेज दिया है। इस बारे में शिकायतकर्ता राहुल भड़ाना ने यह जानकारी दी। मामला ये हुआ है, एक नामांतरण की फाइल थी जो MDA कार्यालय में मेरी चली हुई थी, जिसके संबंध में मैंने आवेदन करा था। मेरी माता श्री के नाम प्लॉट था, वो नामांतरण कराने के लिए मैंने आवेदन किया। आवेदन करने के बाद मैंने ऑनलाइन जो फीस कटती है वो फीस कटवा करके MDA वो जा चुकी थी फाइल। कई दिन से वो फीस पेंडिंग होने के बाद मैडम के पास ये फाइल पेंडिंग चल रही थी, तो मैंने इनसे एक बार फ़ोन पर संपर्क करा तो उन्होंने फ़ोन पर संपर्क करने को मना कर दिया और एटीट्यूड दिखाते हुए कहा कि तुम ऐसा है यहाँ पर आओ कार्यालय में, मैं फ़ोन वोन पर बात नहीं करती हूँ। मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर इन्होंने कहा कि ऐसा है, जब तक 5,000 रुपये मुझे नहीं दोगे तुम्हारी फाइल में आगे नहीं भेजूँगी। इस करके बाद मैंने वहाँ से मैडम से निवेदन करा, मैडम ऐसा है कि पर्सनल फाइल है, पेशे से वकील हैं, आप ऐसे कैसे ना करें, फाइल को मेरी आगे फॉरवर्ड कर दें। तो फिर जब ये नहीं मानी, इन्होंने कहा वकील हो तो कोई तोप थोड़ी हो, तुम वकील हो तो कोई तोप थोड़ी हो, पैसे के बिना फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। फिर मैंने इनसे निवेदन करा, मेरी फाइल कल तक रोक लो, मैं कल पैसे दे दूँगा। तो फिर एक दो दिन का समय, ईद वगैरह आ गई, छुट्टी हो गई, तो आज इन्होंने का फिर से फ़ोन आया कि अगर तुम्हारी पैसे नहीं लेकर आए हो तो मैं तुम्हारी फाइल आज खारिज कर दूँगी। इस करके जो है फिर मैं आज इनके फ़ोन आने के बाद मैं दोबारा से इनके कार्यालय गया एंटी करप्शन में शिकायत करके, तब जाके ये मामला बना। कितने पैसे मांग रहे हैं? 5,000 रुपये। आपका शुभ नाम सर? राहुल भड़ाना, एडवोकेट। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए FirstBite.TV। नमस्कार।